का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चाय की राह में कार्यालय को छोड़ देते हैं राम भरोसे। नागपुर के अनेक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में अनेक तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। कहीं कर्मचारी नहीं होने पर भी वहां की बत्तियां और पंखे शुरू रहते हैं, तो कहीं लंच के बाद कर्मचारी टेबल पर ही लेते दिखाई देते हैं। यहां तक तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अधिकतर कार्यालय का समूह चाय की राह में कार्यालय को ही राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। सिविल लाइन से जिला अधिकारी कार्यालय कार्यालय परिसर में अनेक महत्वपूर्ण विभागों के दफ्तर है। यहीं पर एक पुराना रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम किसी विभाग से संबंधित है यह पता नहीं चल पाता कि पिछले सप्ताह दोपहर में यह रिकॉर्ड रूम खुला था, लेकिन यहां कोई कर्मचारी नहीं था। कुछ समय बाद यहां एक कर्मचारी आया, पूछने पर बताया कि यह न्यायालय का रिकॉर्ड रूम है। सोचिए जरा सी चूक यहां के महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो जाते हैं। यहां के दस्तावेजों को देखने के बाद एहसास होता है कि यहां वर्षों पुराने दस्तावेजों को संभाले रखा गया है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती जाती है। सूत्रों ने बताया कि यह रिकॉर्ड रूम कभी कभी खोला जाता है, बाकी समय में यहाँ ताला लगा रहता है। यदि यह सच है तो जितना समय खुला रहता है उतने समय तक उसकी सुरक्षा के लिए एक कर्मचारी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। पिछले दिनों रविवार के दिन तहसील कार्यालय इमारत में एक व्यक्ति घुसा था। वह इमारत में लगी कियोस्क मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था। पूछने पर वहां से चलता बन गया था। सरकारी इमारत में दोपहर के समय सभी कर्मचारी लंच के बाद बाहर निकलते हैं। इसी दौरान बत्तियां और पंखे शुरू रहते हैं। इस लापरवाही के चलते हर साल लाखों रुपए की बिजली बर्बाद हो जाती है। चाय की चाहत में कार्यालय को ही राम भरोसे छोड़ा जाता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।